हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद तबस्सुम पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आए हैं, अगर आप रात में इस रेमेडी को लगाते हैं तो मॉर्निंग में आपका चेहरा गोरा और चमकीला नजर आएगा और साथ ही साथ इससे आपके चेहरे का ग्लो भी आया करेगा। और अगर स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल्स के निशान हैं तो उसे भी ये दूर करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, स्किन टाइटनिंग फेशियल लोशन बनाने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले लेंगे, हम होम रेमेडी लेंगे, एक ये आलू लेंगे, पोटैटो, और एक फ्रेश हम टोमेटो लेंगे। ये मेरा नंबर वन रेमेडी है, ये नंबर टू रेमेडी है। थर्ड रेमेडी होगी हमारी गुलाब जल, और फोर्थ रेमेडी हम लेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है हमारी इस लोशन को बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि दो मिनट में कैसे आप ये अपना फेशियल स्किन ग्लोइंग लोशन बना के और पार्लर का खर्चा बचा के और आप अपनी स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो दे सकते हैं घर में इसका रोज रात में यूज करके। तो देखिए मैं बनाती हूँ, इसको बनाना बहुत सिंपल और आसान है। सबसे पहले हम ये पोटैटो लेंगे और इसको छील के और इसको घिस लेंगे और घिसने के बाद इसका हम वो रस निकाल लेंगे इस तरीके से। जब आप इस पोटैटो को घिस के और छन्नी से छान के इसका रस निकालेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। इसका हमको एक चम्मच लेना है, ये चम्मच हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा ये टोमेटो, इस टोमेटो को भी घिस के और हमें इसका रस निकाल लेना है जैसे हमने पोटैटो का निकाला है। तो हम रस निकालेंगे इस तरीके से, ये हो गया हमारा टोमेटो का रस। तो ये भी हम सेम क्वांटिटी के हिसाब से ये वन स्पून ये भी ले लेंगे। तीसरी रेमेडी हमारी है गुलाब जल, गुलाब जल का हम एक चम्मच लेंगे। गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेद में भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी हम दोस्तों एक चम्मच लेके इसमें मिक्स कर देंगे। और फोर्थ रेमेडी है हमारी रॉ मिल्क, ये है कच्चा दूध, कच्चा फ्रेश दूध, तो इसको भी आप एक चम्मच लेके इसमें मिक्स कर देंगे और इन चारों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे और ये बन गया हमारा होम रेमेडी स्किन ग्लोइंग फेशियल लोशन। ये दोस्तों इतना अच्छा होता है कि अगर आप इसको रोज रात में अप्लाई करें अपनी स्किन पर, इस तरीके से कॉटन लेके इसको डिप करेंगे और फिर डिप करने के बाद इसको आप अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे इस तरीके से रोज रात में। ये अप्लाई आप करेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, आप इसको सूखने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये आप रोज रात में इसको सोने से पहले लगा के लेट जाएंगे और अच्छे से हल्के हाथ से आप एज ए लोशन, एज ए क्रीम की तरह, जैसे आप अपने फेस पे अपनी स्किन पे एक लाइट सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, बस हमको भी वैसे ही सर्कुलर मोशन में अपने चीक्स पर, अपने फेस से लेके अपने नेक पर, सब पे इसको अप्लाई करके और सो जाना है। जब ये हमारा रात भर में एब्जॉर्ब होगा और ये हमारी स्किन को ग्लोइंग देगा, बस ये एब्जॉर्ब होगा और सुबह उठ के हमें इस ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आप जब ये लगातार करेंगे तो आपको रिजल्ट 8 दिन के अंदर दिखाई देने लगेगा। आपके ब्लैकेज, आपके मार्क्स जो चेहरे पर हैं, झाइये हैं, पिगमेंटेशंस है, उसमें आपको टैनिंग में बहुत आराम मिलेगा। इसे अपनी नेक फेस पे आप लगा सकते हैं और इस छोटी सी होम रेमेडी को घर में बना के आप खुद में महसूस करेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग होने लगी है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।